टैरो कार्ड रीडिंग एक डेविएशन टेक्निक है, कहते हैं कि भविष्य कथन की ऐसी कला है कि जिसके कारण जो एक टैरो कार्ड रीडर काउंसल कर सकता है किसी भी इंसान को, प्रिडिक्ट कर सकता है विद द टैरो कार्ड एंड द हेल्प ऑफ इंट्यूशन। उसके अपनी इंट्यूशन क्या कह रही है उस कार्ड्स को देख के, कार्ड क्या कह रहा है, कार्ड के कलर्स क्या कह रहे हैं, कार्ड्स के सिंबल्स क्या कह रहे हैं, जो कार्ड में आर्कटाइप है वो आपको क्या कह रहा है, उन सब के मिले जुले चीजों के साथ में आप अपने क्लाइंट्स को उसका गाइड कर सकते हो और उसको जो है प्रेडिक्शंस आप दे सकते हो, आराम से उसके बारे में बता सकते हो। टैरो कार्ड मेनली जो है एक गाइडेंस कार्ड होते हैं बेसिकली, ये हम लोगों ने बना दिए प्रेडिक्शन, अरे ये बता दो, अरे वो बता दो, बट टैरो कार्ड मेनली गाइडेंस होते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे ये वाला काम करना है, मेरी अगर जॉब नहीं लग रही है तो मेरी जॉब क्यों नहीं लग रही है, पहले आपने आंसर निकाल लिया। अब मुझे अगर अपनी जॉब चाहिए तो मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे अपनी जॉब मुझे है मिल जाए या मेरी जॉब लग जाए, ठीक है, क्योंकि हमारा हमें जो लाइफ स्टाइल है हमने उसकी वॉट लगा रखी है इस टाइम पर अपनी लाइफ स्टाइल की, है ना, चाहे वो खाना है पीना है सोना है उठना है, हमारी ईटिंग हैबिट्स है, सॉरी, या हमारा कहते हैं ना मनसा वाचा करना, कि मन से हम क्या बोलते हैं क्या सोचते हैं, वचन शब्द क्या बोलते हैं, है ना, और कर्म हम क्या करते हैं, तो उससे हमने अपने कर्मास को इतना खराब किया हुआ है कि जिसके कारण से हमें गाइडेंस की बहुत जरूरत पड़ती है कि हम गाइडेंस में हम क्या लें ताकि हमारा ये वाला काम बन जाए। बट ठीक है, लोगों ने इसको प्रेडिक्शंस बनाया हुआ है तो डेफिनेटली हम भी प्रेडिक्शंस पढ़ेंगे इसमें, लोगों के निकालेंगे प्रेडिक्शंस इसमें, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं कि टेरो कार्ड रीडिंग है क्या बेसिकली। टेरो कार्ड टेरो रीडिंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। आप आज एक काम और करना, एक छोटा सा होमवर्क आपको दे रही हूँ, आपकी पिक्चर क्लिक करना ऐसे जैसे अभी बैठे हो ना, ऐसे क्लिक कर लेना पिक्चर, ठीक है, और ना एक एक अपने ना इन दोनों हाथ की पिक्चर क्लिक कर लेना, ठीक है, पाम हिस्ट्री के लिए, तो अपने ना कभी रख रख लेना इसको आराम से, जब हम लोग पूरा अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो अपनी एक पिक्चर दोबारा से क्लिक करना और अपने पाम्स की भी क्लिक करना और 6 महीने के बाद दोबारा करना, यू विल सी सम बिग चेंजेस इन योर यू नो लाइन्स, आपकी जो स्पिरिचुअल लाइन है ना वो आपकी ग्रो होनी स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखा है और अपना भी देखा है, जब मैंने अपना देखा तब वो यू नो मेरे को लगा कि हाँ यार मुझे अपने स्टूडेंट्स के साथ में कराना चाहिए। आपकी फेस की फोटो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो पर्सनालिटी में आपके चेंज आना स्टार्ट होगा ना वो आपको ही पता होगा, वो आपके कैमरे को ही पता होगा और आप खुद देखोगे अच्छा यार हाँ चेंज है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, आंखों में एक चमक है अलग से ना, एक अलग से एक यू नो सेल्फ इंडिपेंडेंट की भी चमक है यू नो लाइफ में। तो जो टेरो रीडिंग है ये बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट नहीं है, पढ़ने में ये बहुत सिंपल है नो डाउट अबाउट इट, बट ये इतना ज्यादा डीप है, इतना डीप है कि इसको अगर कोई पढ़ाने बैठ जाए ना तो ये शायद पूरे साल भर का भी कोर्स हो सकता है, ठीक है, बट इसको जो है हम लोगों ने बहुत 2 2.5 3 महीने का हमने कोर्स किया हुआ है, बिकॉज जब आप खुद बैठोगे इसको एक एक कार्ड को पढ़ने के तो आप इसमें और भी बहुत सारी मीनिंग अपने निकालोगे आराम से, राइट। सो इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, राइट, इट इज यूज टू प्रिडिक्ट फ्यूचर यूजिंग कार्ड्स एंड देयर सिम्बल्स। इसके कार्ड और सिम्बल से हम लोग जो इनके लोगों का फ्यूचर हम लोग यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इन टेरो वी बिलीव दैट द फ्यूचर इज ऑलरेडी फेड इन ह्यूमंस सबकॉन्शियस माइंड एंड बाय मेडिटेशन एंड वाइब्रेशन वी ट्राई टू अचीव द आंसर थ्रू अ टेरो रीडिंग, कि फ्यूचर ऑलरेडी हमारे कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में यू नो फीड होता है ना, होता ही नहीं होता, हमें पता ही होता है कि यार ये ना ये बंदा ये सोच रहा है, ये बंदा ये सोच रहा है, टेरो कार्ड से आप पूरा सब कुछ निकाल सकते हो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आपने अगर आप लोग अगर टेरो कार्ड रीडर्स को फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे या कहीं और, सो यू विल कम टू नो कि लोग जनरली क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, मैम उसके दिमाग में मेरे लिए क्या चल रहा है ना, मैम मेरे हस्बैंड मेरे लिए क्या सोच रहे हैं, क्या मेरे हस्बैंड का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है क्या, मैम मेरा बॉस मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या वो मुझे जॉब दे देगा या जॉब नहीं मतलब क्या प्रमोशन दे देगा, कुछ भी इस तरह से। दैट मीन्स चीज है सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी फेड है, बट वो हम कहाँ से निकाल सकते हैं, थ्रू टेरो कार्ड्स ओनली। अगर वो नेगेटिव है तो अपने क्लाइंट्स को क्या बोलेंगे, कुछ गाइडेंस निकालेंगे कि आप ये सब काम करो, है ना, ताकि वो चीजें हमारा काम जो है बन जाए। तो दिस इज हाउ वी कैन वर्क ऑन टेरो कार्ड्स। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन टेरो ईच कलर साइन नंबर एंड सिंबल हैज इट्स ओन मीनिंग, तो हमें सब कुछ पढ़ेंगे कि हर एक कलर क्या कहता है, साइन क्या कहते हैं, नंबर्स जो उसमें कार्ड में आ रहे हैं वो क्या कहते हैं, सिंबल्स जो कार्ड में आ रहे हैं वो क्या कहते हैं, ठीक है। दिस स्टडी इज स्पेशल यूज इन केसेस ऑफ कंफ्यूजन लाइक फॉर नोइंग अबाउट करियर मैरिज और बिजनेस। सबसे ज्यादा तो ये वाले कार्ड उसमें यूज होते हैं जब कंफ्यूजन्स होते हैं इंसान को कि मेरे पास ये 2 जॉब के ऑफर आ रहे हैं कि मैं लंदन जॉब ज्वाइन कर लूँ या फिर मैं ये बैंगलोर वाली जॉब ज्वाइन कर लूँ, है ना, मेरे पास ये 2 लड़की हैं सीता और गीता, मैं किससे शादी करूँ, 2 रिश्ते आए हुए हैं, है ना,
तो इस तरह से हमारी जो भी कंफ्यूजन होती है वो भी हम टेरो कार्ड से निकाल सकते हैं बहुत इजीली। व्हेन अ पर्सन इज इन अ डिल्यूजन ही कैन यूज टेरो रीडिंग टू टेक अ डिसीजन, राइट। जब भी कुछ कंफ्यूजन हो तो आप अपना खुद का भी टेरो कार्ड आप निकाल सकते हो।